सत श्री अकाल पीटीसी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाड़े नाल कावी बब्बर ते देश प्रदेश दीआं कुछ अहम खबरां दी शुरुआत करदे हां फटाफट अंदाज दे नाल। दिल्ली दे विच आप बीजेपी विचाले पखिया सियासी संग्राम, आपने भाजपा ते लगाया विधायक तोड़न की कोशिश का इल्जाम। आम आदमी पार्टी ने कहा भाजपा का ऑपरेशन टोटस होया है फेल, साडे विधायकों नूं 20-20 करोड़ का दिता गया ऑफर। केजरीवाल घर की गई पार्टी विधायकों के नाल बैठक, 63 चों 53 विधायक पहुंचे केजरीवाल के घर। भाजपा ने दिल्ली दे विच कीता मुजाहरा, लगाया इल्जाम शराब कपले तो ध्यान हटाने लई तमाशा कर रही आम आदमी पार्टी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा दे विच सन मामले ते सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई, जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट दे विच फिरोजपुर दे एसएसपी की भूमिका ते सवाल। रिपोर्ट मुताबिक एसएसपी नूं 2 घंटे पहला ही प्रधानमंत्री दे रूट बारे दित्ती गई सी जानकारी, पूरी फोर्स होण दे बावजूद सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई। काफले की सुरक्षा लई एसएसपी ने नहीं दिखाई संजीदगी, पंजाब पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने विच रही है नाकाम, कार्रवाई लई सरकार नूं भेजी जाएगी रिपोर्ट। टेंडर घोटाले दे विच आशू दे पीए ते कसेगा शिकंजा, विजिलेंस टीम किसे वेले भी पीए दे घर कर सकती है रेड। पीए मीनू मल्होत्रा दे घर बाहर वधी हलचल, आशू हर सवाल दे जवाब दे विच लै रहा अपने पीए दा नाम। पैसों की डीलिंग बारे सवाल पूछने उत्ते कहा मेरे पीए उत्ते सीए नूं पुछो, विजिलेंस वालों एफआईआर दे विच मीनू नूं भी कीता गया नामजद। नाभा दे विच घर दे विच फटिया सिलंडर, 3 एसडी होए जख्मी, हस्पताल दे विच जेरे इलाज, जख्मियों का एक बच्चा भी शामिल। घर अंदर पिया सारा समान सड़के होया सवा, नाभा के करतारपुरा मोहल्ले की दसी जा रही घटना, पीड़ित परिवार ने पंजाब सरकार तो मदद की गुहार लगाई। पठानकोट दिवस पुलिस से माइनिंग विभाग की वड्डी कार्रवाई, मौके से 8 ट्रैक्टर 10 ट्रालियां जब्त की गई। रावी दरिया दे विच कारे सन गैर कानूनी माइनिंग, गैर कानूनी माइनिंग करन वाले करिंदे ट्रैक्टर ट्रालियां छड़ के फरार होए, पुलिस ने दासन पछाते लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया। कतल की वारदात नाल कंबिया जलंधर, हस्पताल दे विच एक नर्स का होया कतल, दूजी की हालत गंभीर, संगा चौंक स्थित मैटरनिटी होम दे विच हुई है वारदात। छत से मौजूद दोहां नर्सां ते कीता गया हमला, बलजिंदर कौर वजों हुई मृतक नर्स की पछाण, मौके ते पहुंची पुलिस, जांच जारी। फिलौर दे विच महिला मरीज की मौत तो पड़के परिवारक मैंबरां ने किया जबरदस्त हंगामा, निजी हस्पताल के बाहर लगाया धरना, नारेबाजी की। डॉक्टरों ते लगाए लापरवाही दे इल्जाम, कहा तबीयत ज्यादा बिगड़न के बावजूद नहीं किया गया रैफर, पीड़ित परिवार ने डॉक्टरों खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एआईजी आशीष कपूर दे घर रेड, विजिलेंस ने मोहाले स्थित घर उते मारिया छापा। कथित रेप मामले दे विच घिरे होए ने एआईजी, एक महिला ने रेप से करोड़ों रुपए लैण दे इल्जाम लगाए हैं। साबका मंत्री आशु ते एएफएसओ ने लगाए गंभीर इल्जाम, शिवराज खन्ना ने कहा आशु खिलाफ होर भी घोटालिया के सबूत मेरे को। आशु दे मंत्री रहिंदिया 25,000 करोड़ का खपला होया, भ्रष्ट अफसर बारे जानकारी देने ते आशु ने मैनू ही किया सस्पेंड। शिवराज खन्ना की एक वीडियो भी हुई वायरल, कहा सरकार जदों मंगेगी सबूत रखांगा सारे सामने। मरहूम सिद्धू मूसेवाला दे लई अज इंसाफ मार्च, मानसा दे विच कढ़िया जाएगा कैंडल मार्च। बाहरली अनाज मंडी तो पिंड जवाहर के तक होगा कैंडल मार्च, ट्रैफिक ते पार्किंग की समस्या कारण थां दे विच कीता गया बदला।
सिद्धू मूसेवाला के मापिया ने लोगों की की अपील, कहा शांतमई तरीके दे नाल कढ़िया जाए कैंडल मार्च, किसी भी तरह नाल माहौल ना किया जाए खराब। समाणा दे विच कांग्रेस पार्टी ने भगवंत मान सरकार खिलाफ प्रदर्शन किया, कांग्रेसी आगुआं खिलाफ विजिलेंस का दुरवरतों से झूठे मुकदमे दर्ज करने के इल्जाम। राजस्थान के एक स्कूल दे विच अध्यापक दे कुट तो बाद बच्चे की मौत मामले को लेकर तरन तारण दे विच बहुजन समाज पार्टी वालों प्रदर्शन किया गया। बसपा आगुआ ने कहा कि छुआछूत कारण बच्चे की कुटमार की गई सी, उन्हें डीसी नूं मांग पत्र सौंप के कार्रवाई की मांग की थी। फगवाड़ा दे विच नशे की हालत में बेहोश मिलिया नौजवान, बस अड्डे कोल बनी मार्केट दे बाथरूम दे विच बेहोश पिया सी नौजवान, जमीन उत्ते पए नौजवान दे हाथ विच सी सिरिंज। स्थानक लोगों मुताबक नशे की ओवरडोज नाल बेसुध होया सी नौजवान, पुलिस ने 108 एंबूलेंस की मदद नाल नौजवान नूं लियांदा होश दे विच। जलंधर के वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट की वंड विच भ्रष्टाचार, विजिलेंस ने मोटर व्हीकल इंस्पैक्टर समेत एक दो एजेंट काबू किए। मुलजमान तो रिश्वत दे 12,50,000 रुपए बरामद किए गए, 10 प्राइवेट एजेंट्स खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। बेखौफ लुटेरिया का कहर लगातार जारी, जलंधर के जंडियाला नेड़े लुटेरिया ने मोटरसाइकिल उत्ते जा रही महिला दे नाल कीती लुट की कोशिश। लुटखो दौरान महिला की मोटरसाइकिल तो डिगण नाल मौत हुई, पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के आधार उत्ते मामले की जांच पड़ताल की मांग कर रही है। खडूर साहब के पिंड धुंदा के नौजवान अजमेर सिंह की मृतक दे 9 दिन बीतण उते भी दुबई तो नहीं पहुंची पंजाब। अजमेर सिंह की दुबई दे विच सड़क हादसे दे विच होई सी मौत, परिवार ने भारत सरकार नूं मृतक दे भारत लियाउण की मांग की थी। फिलौर रेलवे स्टेशन मास्टर दे क्वार्टर दे विच लखां दी चोरी, चोर सोने दे गहने ते नकदी लैके फरार होए, पहला भी होरना क्वार्टर्स दे विच हो चुकी है चोरी। फिलौर पुलिस ते जीआरपी पुलिस नहीं दर्ज कर रही एफआईआर, फिलौर पुलिस मुताबिक मामला जीआरपी पुलिस अधीन, जीआरपी पुलिस ने भी झाड़िया है पल्ला। मोगा के पिंड बिलासपुर चोरों ने निजी स्कूल बनाया निशाना, बच्चों के 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट्स के अलावा जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी लेके चोर फरार हुए। स्कूल दफ्तर के लग्या एसी उतार के अंदर दाखिल हुए चोर, पुलिस कर रही है गंभीरता के नाल जांच पड़ताल। तरन तारण दे विच गुंडा अंसरां वालों विद्यार्थियों नाल बेखौफ की जा रही है छेड़छाड़, विरोध करन वालियां नाल की गई हथों पाई। शहर वासियों वालों पुलिस अधिकारियों नूं मामले की की गई शिकायत, पुलिस ने कार्रवाई का दिता भरोसा। होशियारपुर के सिविल अस्पताल चक्कोवाल की महिला डॉक्टर उत्ते लगे इलाज दौरान लापरवाही वरतण दे इल्जाम, बच्चे की डिलीवरी दौरान वरती सी लापरवाही। मामले दे विच सिविल सर्जन उत्ते भी कार्रवाई ना करन दे इल्जाम, उधर सिविल सर्जन ने कहा कि मामले दे विच जो भी दोषी पाया गया उस विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हलका खडूर साहब अचानक तेज मीह ते झखड़ कारण किसानों की फसल का भारी नुकसान, खेतों में विछी झोने की फसल। तेज मीह ते झखड़ कारण बिजली के खंडे बिजली के खंभे ते ट्रांसफार्मर उखड़े, वड्डी गिणती में रुख भी डिगे, कई पिंडां दे विच बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में होया सुधार, 15 दिन बाद आया होश। राजू श्रीवास्तव के निजी सकत्तर
दे वल्लों दित्ती गई जानकारी। दिल का दौरा पैण तो बाद दिल्ली के एम्स विच चल रहा सी इलाज। देश दे विच कोरोना का कहर लगातार जारी। देश भर दे विच आए 10,000 तो वध नवे मामले दर्ज किए गए। 94 तो वध कोरोना के नवे मामले आए। गिप्पी गरेवाल की फिल्म शिंदा शिंदा नू पापा 14 अप्रैल 2023 नू हो रही है रिलीज। विसाखी के मौके पर होगी फिल्म रिलीज। अपने पुत्र शिंदा गरेवाल नाल कर रहे ने पहली फिल्म।